नमस्कार, मैं कविता अपनी कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज 3 अप्रैल 2020 दिन शुक्रवार है। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में भाषा तथा उसके रूपों के बारे में जाना। क्या आपको पता है हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, क्योंकि हमारे देश के अधिकांश भागों में हिंदी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है या हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, इसलिए हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। चलिए अब हम चलते हैं अपनी पाठ की तरफ और आज हम सीखेंगे लिपि के बारे में। लिपि क्या होती है? ठीक है, देखिए आप सभी बोर्ड की तरफ ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ लिखा है हिंदी और हिंदी के नीचे लिखे हैं मैंने अ म ल द कुछ वर्ण, अंग्रेजी ए एम एल के और पंजाबी भाषा के नीचे उ अ ई व ल वर्ण लिखे। ऐसा मैंने क्यों किया है? देखिए, हिंदी भाषा को लिखने के लिए इन सभी वर्णों का प्रयोग किया जाता है या हमें कुछ निश्चित वर्ण दिए गए हैं, निश्चित चिन्ह दिए गए हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए ए एम एल के बहुत सारे ऐसे ही अल्फाबेट्स मिले हैं। ठीक है, उसके बाद पंजाबी भाषा को लिखने के लिए भी हमें कुछ निश्चित चिन्ह मिले हैं। इन्हीं निश्चित चिन्हों को इन भाषाओं की लिपि कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्ह निश्चित दिए होते हैं, उन्हीं चिन्हों को उस भाषा की लिपि कहा जाता है। ठीक है, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और उन सभी भाषाओं की लिपि भी अलग अलग होती है। ठीक है, देखिए हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि को हम रोमन कहते हैं और पंजाबी भाषा की लिपि को हम गुरमुखी कहते हैं। इसी प्रकार सभी भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं व्याकरण की तरफ। व्याकरण क्या होती है? व्याकरण का प्रयोग हम क्यों करते हैं? ठीक है, व्याकरण चलिए अब फिर आप बोर्ड की तरफ बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं यहाँ पर दो वाक्य लिख रही हूँ। पहला वाक्य है रानी नाच रहा है, दूसरा वाक्य है मोहन खेलने गई, अब आप मेरे साथ इन वाक्यों को दोहराएंगे। पहला वाक्य है रानी नाच रहा है। क्या ये वाक्य सही है? आप इसको बोलकर देखिए, क्या ये वाक्य सही है? नहीं, रानी नाच रहा है। यहाँ पर रहा शब्द का प्रयोग गलत है। यहाँ पर क्या आएगा? रानी नाच रही है, क्योंकि हम स्त्रीलिंग के साथ हमेशा एक ही मात्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा वाक्य मोहन खेलने गई, इसमें क्या गलत है? इसमें यहाँ पर गई नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? मोहन खेलने गया। हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पर ये गलती है? हमें यह पता लगा है व्याकरण के आधार पर। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना तथा शुद्ध पढ़ना सिखाते हैं। व्याकरण के आधार पर हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, शुद्ध रूप से लिखना तथा शुद्ध रूप से बोलना सीखते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा है? भाषा की लिपि और व्याकरण के बारे में। आशा करती हूँ कि आज का यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बारी है गृह कार्य की। आपको क्या करना है? किन्हीं भी 5 भाषाओं की लिपि को याद करना है
और सभी माता पिता से मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चे को कुछ 5 अशुद्ध वाक्य शुद्ध करने के लिए दीजिए। इसी के साथ ही मैं अपनी कक्षा को समाप्त करती हूँ। अपनी नई कक्षा में मैं आपसे फिर मिलूंगी। धन्यवाद।